सभी शिक्षक बंधुओं एवं विदुषी शिक्षिकाओं को नमस्कार। आज हम लोग बिहार शिक्षा विभाग द्वारा SCRT पटना द्वारा डेवलप प्रोग्राम कैचअप कोर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें यह प्रोग्राम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के सहयोग से और एकेडमिक यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिए हैं। आज हम लोग COVID-19 का फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग उनके गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग में यह बताया गया है कि पिछले 10 महीनों से जो बच्चों को इस शिक्षा में जो प्रॉब्लम हुई, बच्चे शिक्षा से दूर रह गए, उस शिक्षा को लर्निंग लॉस को कम करने के लिए, लर्निंग गैप को कम करने के लिए यह कैचअप कोर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना और इसको डेवलप करने वाले SCRT के द्वारा तैयार किया गया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैचअप कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यह है प्रोग्राम जो बच्चे क्लास 10th में हैं, वो क्लास 9th का फिर से स्टडी करेंगे, उसी में उनको बताना है, सिखाना है। जैसे अधिगम प्रतिफल चार्ट, लर्निंग आउटपुट चार्ट, यह जो है 60 दिनों का कोर्स है। 60 दिनों के लिए हम लोगों को, आप लोगों को, बच्चों को सिखाना है। तो 60 दिनों में कैसे सिखाएंगे हम लोग, तो इसमें 60 दिनों के लिए 60 दिन का क्लास होगा बच्चों के लिए। तो 60 दिन यानी 3 महीने का कोर्स चलेगा, तो यह अप्रैल सेशन से चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को क्लास 10th के बच्चे को मैथमेटिक्स में उसको जो लॉस हुई है, जो नहीं समझ पाए और आगे बढ़ गए हैं, उस क्लास 10th वाले बच्चे को 9th के चीज़ को सिखाना है। तो पहला है अधिगम प्रतिफल चार्ट में लर्निंग आउटपुट चार्ट है, जिसमें दिया हुआ है लर्निंग आउटपुट में, जैसे देखिए आप, पहला है वास्तविक संख्याओं की समझ वर्गीकरण, दशमलव निरूपण एवं संख्या रेखा पर निरूपण। तो आप विद्वान खुद हैं, आपको बस थोड़ी गाइडलाइन की जरूरत है, तो बच्चों को बताना है वास्तविक संख्याओं के बारे में और दशमलव निरूपण के बारे में। यह पार्ट 1 का है और इसमें यह 11 दिनों के लिए बच्चों को सिखाना है हम लोगों को, आप लोगों को। दूसरा है बहुपद की पहचान वर्गीकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों को बताना है। सर्वसमिका आइडेंटिटी, जिसका उपयोग बच्चे सूत्र के उपयोग से कैसे मैथ को अच्छा से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंसेप्ट, बच्चे अच्छा से सीख जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फार्मूला के मदद से बच्चों को हम लोगों को सिखाना है, साथ ही बहुपद का गुणनखंड सिखाना है, शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है, रिमाइंडर थ्योरम है, फिर इसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम को बच्चों को समझाना है। तो इन सभी को समझाते हुए लेसन 2 में, जिसमें यह जो है 12 दिनों कोर्स चलेगा, यानी 60 दिनों में 11 दिन, 12 दिन, फिर है 11 दिन, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की समझ, त्रिभुज जो है यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी ऐसे, और इसमें सत्यापन भी उसको बताना है। तो यानी जिसमें जो प्रमेय होता है, आप सभी जानते ही हैं, बहुत से प्रमेय हैं, उसमें मैन प्रमेय को बच्चे को सिखाना है। 7 दिनों का है और ये 7 लेसन का है, और इसमें जैसे 7.1, 7.2, 7.3 चैप्टर्स हैं, उसमें बच्चों को सिखाना है, समझाना है, मैन थ्योरम जो है बच्चे को समझा देना है, बेसिक जो है 11 दिनों में इस कोर्स को पूरा कर देना है, जिससे बच्चे हमारे अच्छे से सीख सके। यदि वे बच्चे 9th के सिलेबस को अच्छे से सीख जाते हैं, तो उन्हें 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9th से रिलेटेड 10th है हमारे। तो हमारे बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें हम लोग, आप लोग, हमारे SCRT टीम और ये जो है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, इनके सहयोग से ये पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे के विकास में हम लोगों की, आप लोगों की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि ये बच्चे अच्छे कर जाएंगे, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा
स्कूल हमारा, समाज हमारा, राज्य काफ़ी डेवलप करेगा और राज्य के विकास होने से हमारा देश इंडिया विकास विकसित हो जाएगा। तो इस दिशा में आप लोगों की, हम लोगों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। चौथा है रेखाखंड एवं कोण को संधिभावित करना, यानी बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स, और त्रिभुज की रचना करना। बच्चे को कंस्ट्रक्शन भी सिखाना है, तो बच्चे चूंकि नाइन्थ में कंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे तो उन्हें टेंथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए नाइन्थ में जो कंस्ट्रक्शन है 11.1 में 11.2 में उस बच्चे को सिखा देना है अच्छे से, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसको कहते हैं। ये बच्चे सीख जाएंगे जब स्केल का प्रयोग कर लें, प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे, तो बहुत चीज़ उन्हें उनका नॉलेज डेवलप होगा। तो उनका लर्निंग स्किल को डेवलप करना है जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज हमारे राज्य में देखिए सीबीएसई बोर्ड की बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत से प्रयास है सीबीएसई बोर्ड की। तो हम लोगों का ये जो है, यदि बीएसईबी पटना है, ये सब है, बच्चे यदि अच्छे डेवलप करेंगे तो ये भी सीबीएसई बोर्ड की तरह बहुत आगे चमकेंगे, हमारा राज्य बिहार का नाम होगा, हमारी शिक्षा बहुत आगे की ओर जाएगी और आने वाली जनरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम लोगों में एजुकेशन में क्या है, टीचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की। बच्चे यदि रहेंगे तभी तो हम लोग हैं ना। तो जैसे डॉक्टर और पेशेंट में देखिए कि किसी भी डॉक्टर का वैल्यू तभी होता है जब वहाँ पेशेंट पहुँचेंगे, और पेशेंट का जब सही ट्रीटमेंट होता है तो उस डॉक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह यदि आप और हम लोग मिल करके यदि बच्चे का अच्छा से ट्रीटमेंट कर दें, उनको अच्छा से लर्निंग स्किल डेवलप कर दें, कंसेप्ट बच्चों में डाल दें, तो ये बच्चे इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए और COVID-19 का दिशा निर्देश को फॉलो करना है और आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो रेखाखंड और कोण को समझात करना है, त्रिभुज की रचना करना है, ये सब अध्याय को, ये सब चैप्टर को 5 दिनों में कंप्लीट कर देना है, बच्चे जिसे सीख जाए। सभी चीजों में सबसे मेन आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रफल। इसमें घन, घनाभ, लंबवृत्त, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के फार्मूला का उपयोग करके बच्चे को सिखाना है। इसमें आपको भी बच्चे को प्रैक्टिकल में ले जाइए, जितना बच्चा प्रैक्टिकल सीखेंगे उतना ज्यादा उनमें अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो बच्चों में जैसे फार्मूला याद करा देना है, बच्चे जब फार्मूला को याद कर लेंगे तो उनको यदि हम काम दे दें कि आप घनाभ बना के लाइए, घन बना के लाइए घर से, तो बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ाई। तो बच्चे को जब खेल खेल में अच्छे से व्यवहार में जब बच्चे को हम डेवलप करेंगे तो बच्चा हमारा अच्छा हो जाएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी ये सब के बारे में बच्चों को फार्मूला के बारे में बताना है। और चैप्टर 13.1, 13.2, 13.3 ये जो भी है, ये सब चैप्टर का 10 दिनों में बच्चे को इसकी मेन चैप्टर को समझा देना है, सिखा देना है, जिससे बच्चे को जो लॉस है, लर्निंग लॉस की कमी है, लर्निंग गैप की जो कमी है, उसको हम लोग इस प्रयास में हैं कि ये सब करने से, कैचअप कोर्स ट्रेनिंग करने से बच्चे में बहुत अच्छा लर्निंग स्किल आएगा और हमारी शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो बच्चे जब ये सब सीख जाएंगे तो उन्हें टेंथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ जैसे 5 पॉइंट हुआ, 6 पॉइंट में हम लोगों को आता है क्या इसके बारे में, 6 में है, आप नोट भी कर सकते हैं, 6 नंबर में है, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 7। तो 6 में है बहुत ही आंकड़ा का माध्य, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, बहुलक के बारे में बच्चे को सिखाना है। बच्चे सीख जाएंगे तो उन्हें 10 में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10 में भी तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, तो आप सबको पता ही है ये सभी है। तो बच्चे को बेसिक रूप से कुछ जानकारी दे देना है, बच्चे अच्छे सीख जाएं, बच्चे 9 का सीख जाएंगे तो 10 में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेसन जो है 14 में है और अगला है 15, ये जो है 6 दिनों का है और हम लोगों को बच्चे को इसको सिखा देना है 5 दिन में। कोशिश कीजिए कि जब बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटिए, जहाँ रहिए वहाँ शिक्षा का ज्ञान को फैलाइए, बच्चे में नॉलेज दीजिए। तो अंकड़ों का माध्यक और बोलक हो गया 14 में, और 5वां है इसमें सिक्के और पासे,
पासे की प्रायिकता, की प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में जानकारी देना, प्रायिकता के बारे में जानकारी देना, के बारे में जानकारी देना और जानकारी और इससे जुड़े हुए के बारे में जानकारी देना। और इसमें जो चैप्टर है 15.1 के में जो चैप्टर है उसमें बच्चे को सिखा देना है प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता क्या है उसको अच्छा से सिखा देना है। बच्चे सीख जाएंगे तो उन्हें 10 में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्के और पासे की प्रायिकता के बारे में जानकारी देना और प्रश्नावली को हल करना, और प्रश्नावली को हल करना, प्रश्नावली, ठीक है। बच्चे को सिक्के और पासे की प्रायिकता के बारे में जानकारी देना और प्रश्नावली जो है ये 15.1 को के प्रश्नों को हल कर देना है, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर देना है। इस तरह से सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कुल 60 दिन हो जाएंगे। 60 दिन हो गया तो बच्चे 3 महीने का कोर्स जाएगा, तो वह हमारा ओपनिंग वर्किंग डे जितना है उसी में इनको इस कोर्स को कर देना है। अप्रैल से यह शुरू हो जाएगा, तो 3 मंथ का यह कोर्स है। लर्निंग आउटपुट चार्ट का प्रयोग करके हम लोग बहुत अच्छा बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, अपने क्लास में स्कूल में बच्चे को काफ़ी मदद कर सकते हैं। मैथ को बहुत इजी तरह से, आप खुद विद्वान हैं, आप अच्छे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से यही छोटा सा ये हमारा प्रयास है आपको बताने का, और इससे ज़्यादा तो मुझसे बेटर तो आप लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। COVID-19 को फॉलो करते हुए और बच्चों को एजुकेशन देना है, 3 महीने के कोर्स को कंप्लीट करना है बच्चे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।